क्या आप जानते हैं आपके जो खर्राटे हैं वो सिर्फ आपके साथी या सहयात्रियों के लिए परेशानी का कारण नहीं है, वो आपके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष जैन, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल, साकेत, न्यू दिल्ली। आज हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में कुछ बातें करेंगे। जो लोग सेंट्रली ओबीज होते हैं, जिनकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट होती है, नेक थोड़ी सी शॉर्ट होती है, शरीर की संरचना, शरीर की बनावट कुछ इस तरीके से होती है, और जो लोग रात में खर्राटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की परेशानी हो सकती है। रात में खर्राटे लेना अपने आप में काफ़ी नहीं है। सुबह उठने के बाद अगर आपको अजीब सा महसूस हो, नींद पूरी नहीं लगती हो, या दिन में बैठे बैठे ऊँघने की आदत हो, खाने के बाद आपको लगता हो कि अब मैं सो जाऊं, या ड्राइविंग करते समय एक बहुत ज़ोर से इच्छा अगर होती है, लंबी ड्राइविंग के समय स्पेशली अगर बहुत ज़ोर से इच्छा होती है कि आप थोड़ी देर रुक के सो जाएं, तो निश्चित तौर पर आप मॉडरेट टू सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से ग्रसित हैं। ये बीमारी इसलिए होती है कि जो हमारा नेक है उसके आसपास में जो हमारा फैट डिपॉजिट होता है, जो हमारा बल्कि टंग है, वो हमारी श्वास नली जो पूरी तरह से खुली होनी चाहिए, जब नींद के आगोश में हम जाते हैं, जब हमारी स्लीप और डीप स्लीप होती है, तब वो उसको प्रेस करने लगता है। जब बैक ऑफ द टंग के कारण हमारे एयरवेज प्रेस होते हैं, तब उसमें टर्बुलेंस होती है, उसके कारण आपको खर्राटे आते हैं। इसी समय जब वो बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाती है और लगभग आपकी सांस बंद हो जाती है, तब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करता है, और इस डिपिंग के कारण आपका ब्रेन जाग जाता है, जिसका कि अनुमान अक्सर आपको सोते समय नहीं होता है। जब ब्रेन जागता है तो वो SOS सिग्नल भेजता है पूरे शरीर में, जिससे कि आपकी बॉडी ब्रेन वापस जागता है, आपकी मसल्स जागती हैं, आपकी हार्ट रेट बहुत तेज गति से बढ़ जाती है, आपका BP बढ़ने लगता है, और ये प्रक्रिया बार 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 दोहराई जाती है। इसके कारण सुबह आप फ्रेश फील नहीं करते हैं, सुबह आपको नींद आती है, आपका BP लगातार बढ़ा हुआ रहता है, आपकी हार्ट रेट लगातार बढ़ी हुई रहती है, किसी काम के करने में इच्छा नहीं होती है, आपका चिड़चिड़ा व्यवहार रहता है, और आपकी जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। बट अच्छी बात यह है कि अगर इसे समय पे पहचान लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। इसके लिए हमें एक स्लीप स्टडी करनी पड़ती है, और उसके बाद एक CPAP या BiPAP मशीन, जब एक मास्क के द्वारा आपको रात को सोते समय दी जाती है। परेशानी सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या आपके जो फटीग है, जो फॉरगेटफुलनेस है, और जो लिथार्जी है, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहती है। अगर इसके साथ आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक की परेशानी कई गुना बढ़ भी जाती है। तो यदि आपको खर्राटे आते हैं, दिन में लिथार्जी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, यदि आपको चिड़चिड़ापन और दोपहर में नींद की परेशानी ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि आपको भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसका समय रहते निदान करवाएं। अपनी नींद का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको कुछ लाभ होगा। यदि आपके कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर क्लिक करके आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.